नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चुंदेल। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान कर रखा है। हज़ारों किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी प्रदर्शन को तेज करने की कोशिश की जा रही है। अब इस भारत बंद को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है और कहा है कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह अखंड है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण करने वाली सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। वहीं बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद को कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, TDP, बसपा, लेफ्ट पार्टियाँ, स्वराज इंडिया, राजद जैसे राजनीतिक दल शामिल हैं। TMC ने किसानों की मांग का समर्थन किया है, लेकिन भारत बंद का नहीं किया। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर, नई दिल्ली के इलाकों में और लाल किले के आसपास भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस का अरेंजमेंट सुबह 5 बजे से शाम तक रहेगा, जब तक कि विरोध खत्म नहीं हो जाता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही वन इंडिया हिंदी के साथ।